बोलो भैया, देखो मैं इस समय रुद्रपुर के अंदर हूँ, ठीक है, और मेरा इस समय काम धाम चलने आ रहा है। ये बताओ अपने बच्चे में कहाँ से पालूँ, समझ रहे हैं बात के लिए? मैं बड़ा परेशान हूँ, और इस समय संतोष कुमार गंगवार भी सुनते होंगे इस बात के लिए, मैं उनके बहुत करीब में हूँ। ऐसा नहीं मुझे पहचान लेंगे तुरंत, संतोष कुमार गंगवार को तो हम जानते हैं, टूलिया के हैं वो, और तुरंत मुझे पहचान लेंगे। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सारी गोली मार दो तुम। मेरे कहने का मतलब ये हैगा, कम से कम आदमी को परेशान नहीं रहना चाहिए। इस समय इतना बड़ा परेशान है, कसम खुदा की, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कैसा भी इंसान हो, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसको किसी तरह की परेशानी मत दो। गरीब आदमी बताओ कहाँ से क्या कर लेंगे बताओ। उसके दो बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई तुमने बढ़ा दी है, इस महंगाई को देख के आदमी क्या करेगा बताओ, मानोगे नहीं मानोगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अपना ऐसा ऐसा काम करो, बढ़िया से बढ़िया काम करो। चाहे सरकार किसी की रहे पूरी ज़िंदगी भर, कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, भाजपा की रहे, किसी की भी रहे, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं भी बरेली का रहने वाला हूँ, थाना सी बी गंज है मेरा, और टूलिया से समझ लो संतोष कुमार गंगवार पूरे भारत के जो झाए पड़े हैं समय, वो मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं कहीं बाहर का आदमी नहीं हूँ, संतोष कुमार गंगवार मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, वो कहते हैं गुमदापुर का बंदा है ये, मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक? हाँ, आवाज़ मेरी पहुँच जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। मैं गुमदापुर करने वाला हूँ, कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, कभी पंजाब, मेरा काम न लग रहा है, मेरे बच्चे कहाँ से पल जाएंगे। आप यहाँ पर ये चीज़ देखते हो कि सरकार के अंदर पैसा कितना आता है शराबियों से, आप ये भी चीज़ देखते हो कि शराबियों से पैसा आएगा नहीं, ये बताओ। आदमी काम कर रहा है, बच्चे उसके पढ़ ना पा रहे हैं, तो कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे, ये बताओ। उसके खर्चे तुमने ये चीज़, ये गलत चीज़, खाली शराब छुड़ा दो बस, हिंदुस्तान की तुम खाली शराब छुड़ा दो, पूरा भारत अपना सही हो जाएगा भाई, पूरा भारत सही हो जाएगा। खाली शराब का लत छुड़वा दो सब सब, जितने भी शराबी हैं हिंदुस्तान, मेरी बहन गलत कह रहा हूँ मैं, जितने भी शराबी हैं उनकी खाली शराब छुड़वा दो बस, हिंदुस्तान के अंदर से शराब ख़त्म करवा दो बस। लेकिन तुम ये देखते हो कि हमारी सरकार कहाँ से पलेगी, हमारी पुलिस कहाँ से पलेगी, हमारे सेना कहाँ से पलेंगे, हमारे फौजी कहाँ से पलेंगे, तो उस चीज़ को देख रहे हो तुम। लेकिन गरीब आदमी थोड़ी देखता है, हमारी ये औरत बैठी हुई है इस समय, हमारी औरत मान लो तुम, ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसके कहने दो बच्चे हैं, और हमने काम करा 500 रुपये का, ठीक है, हम 300 की शराब पी आए, तो 200 रुपये में भला कर लेगी औरत? नहीं कर पाएगी, किसी कीमत तो नहीं कर पाएगी, समझ रहे भैया? तो मैं ये चाह रहा हूँ, संतोष कुमार जी गंगवार जी, आप बरेली के हैं और मैं भी बरेली का रहने वाला हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं इतना गंदा इंसान नहीं हूँ, आपने मेरा घर भी देखा है। योगी को बता दो या मोदी जी को बता दो, अगर योगी को बता दिया तुमने तो समझ लो मामला सही है, सही है, ठीक है भैया, मेरी गलती माफ़ करना, अगर मैंने जो भी बोला हो गलत सर, मेरी क्षमा माफ़ करना।